आज हम खड़े हैं राजेंद्र नगर वार्ड में, जहां पर जनता बहुत ही परेशान है। आए दिन यहां पर सड़कों में गड्ढे खुदे रहते हैं, जिससे आवाजाही की बहुत दिक्कत है और बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही है। कह रहे हैं लोगों के घरों के ऊपर पेड़ निकले हुए हैं, जिसकी शिकायतें कई बार यहां के पार्षद से कर चुके हैं, नगर निगम से कर चुके हैं, लेकिन यहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज यहां पर हमारे साथ दौरा करने निकली है कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी। मैम, आप यहां पर आई हैं, आपने देखा क्या व्यवस्था है? लोग बहुत परेशान हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आई यहां पर है क्योंकि मुझे ये पता था, मैं इस रास्ते से गुजरती हूं, उससे मेरा मुझे याद था कि नया गड्ढा खोदा है, 2 महीने हो गए इस गड्ढे को, तो मतलब बेचारों ने अपने आप भरा। हम लोग जाने से पहले रास्ते क्रॉस करने से पहले सोचते हैं कि ये रास्ता बहुत तैयार होगा, नगर निगम से भी लोग बहुत परेशान है, कहते हैं कि इस तरीके के गड्ढे बार बार सड़कों पे खोद के रख दिए जाते हैं, जिससे बहुत ही दिक्कत होगी। अगर व्यवस्था करानी है तो एक बार खोदिए, सब कुछ मेंटेन कराइए और बंद करिए। बिल्कुल, सिटी प्लानिंग में यही सबसे बड़ी परेशानी है। आपस से मिलकर काम करते नहीं है, ना जल निगम वाले से मिलते हैं, ना सड़क को बनाने वाले से मिलते हैं, ना ये रही स्मार्ट सिटी। तो जब आपसी में ऐसी स्मार्ट सिटी यही नजारा होता है, एक काम शुरू करते हैं दूसरे का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, देखिए सामने पारे कितने, अभी बरसातें भी नहीं शुरू हुई है और अभी से ये 2 मिनट का ये हाल है और लोग सही में कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार नगर निगम ने व्यवस्था करते हैं। अब देखिए ये घर में रहती है माता जी, बस बाहर हम तो क्या बदलाव होगा अगर आप आ जाती हैं? भाव बना हुआ है, क्या इनका निदान मिलेगा? बिल्कुल, मेरी यही है कि लोगों की आम दिन की दिनचर्या समस्याओं का समाधान में करना है। बुनियादी जरूरत जो लोगों की है वो तो जरूर पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के हाल में, जैसे आवारा छोड़ा गया वही हाल एक बरसाते आती है, जैसे अगर इस तरह का जल भराव रहेगा तो यहाँ पर मच्छर भी पनपेंगे, उसी से आगे चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी भी आफत आती जाती है और हर साल आती है। बरसात होता नहीं है कि आपको पोल खुलनी शुरू हो जाती है, बारिश के मौसम के पहले कहते जब मच्छरों को पनपने के पहले आपको जाना चाहिए, कुछ नहीं होता। हम सब कुछ परेशान हो जाते हैं घरों में, आप सफाई गंदगी को लेकर के, आप सफाई के लिए ये एग्जाम्पल है देखने के लिए आपके कि क्या हुआ है 25 सालों में और अब क्या करेंगे। कहते हैं हम पुराने चिन्हों पर चलेंगे तो ये पुराना चिन्ह पर चल करके फिर से यही गंदगी फैलाए रहेंगे, क्या ये कभी साफ नहीं होगा? नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और बात करते हैं मोदी और योगी की कि उनके जो करके आए उसी को फॉलो करेंगे। ये हमारे एग्जिस्टिंग मेयर साहब कहते हैं, जो अभी आ रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने जो करा उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रत्याशी से राजू दीक्षित जी है, उनसे भी कई बार लोगों ने शिकायतें करी है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये आक्रोश है, किसी के सामने गंदगी फैल जाती है तो रिक्शे वाले से लड़ने को तैयार हो जाता है। ये गंदगी किसी को नहीं दिखाई देती, यहाँ का सभासद और यहाँ के मेयर दोनों भाजपा के हैं, पर यहाँ की सफाई से किसी को लेने देना नहीं। उनको खाली एक चीज आती है, वो अपना वोट काउंट करना, कैसे वोट बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम कर करके, बस वोट बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। घर के अंदर पेड़ निकला हुआ है, वो दीवार पूरी इतनी चटकी हुई है कि छोटे छोटे बच्चे घर में सो रहे हैं। कह रहे हम सभासद के पास एक नहीं 10 बार गुहार लगा कर आए, एप्लीकेशन डाल कर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और कभी भी घर के अंदर हादसा होता है, घर के अंदर पेड़ निकल आते हैं, क्या प्रशासन को नहीं दिमाग में रखना चाहिए उस घर में उसको देख रेख कर सकते? भाई साहब, राजेंद्र नगर को मिनी ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया गया, अब हम लोग क्या करें? आधे आधे दामों पर अपने मकान बेच के जाए यहाँ, ये हालत है। जी, आज हम राजेंद्र नगर वार्ड में कर रहा है, पहले ये बताइए यहाँ का गड्ढा, मतलब कितने बार यहाँ का गड्ढा खुदा है और यहाँ पानी तो सही होता नहीं ना, आए दिन यहाँ गड्ढा खुदता रहता है और पड़ता रहता है, गड्ढा खुदता है। ये कितने दिनों से गड्ढा खुला हुआ है? ये 1-1.5 महीने से खुदा हुआ है। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई है क्या? रात वगैरह में कोई इसका व्यवस्था नहीं कराई गई कि उसको बंद कराने का या कुछ? अरे करते हैं मगर सही होता ही नहीं ना, बंद करते हैं फिर पानी बहने। कौन है यहाँ का पार्षद? कौन सी पार्टी से? यहाँ राजू दीक्षित है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। जी, अच्छा, तो आपने कभी उनसे कहा नहीं कि इस तरीके का रात में अगर बच्चे हैं कुछ है बच्चों का सामना करना पड़ेगा? मट्टी बहुत गड्ढा खुद है। कितनी बार गड्ढे खुद चुके हैं? कई बार खुद चुके हैं, बार बार खुदते रहते हैं। एक ये पद या खुद या फिर, तो इससे क्या क्या दिक्कतें होती गड्ढों की वजह से, क्या क्या परेशानियां गिरते हैं गड्ढे में? आपने इस चीज की शिकायत नहीं करी कभी? हम भी तो बहुत गई यहाँ पे, लेकिन पेड़ गिर रहा है। हाँ, ये पेड़ भी है। हाँ।
तो इस ये कभी भी गिर सकता है बरसात का मौसम आ रहा है। पेड़ भी गिर चुका है टीम पे। यहाँ निकाल दीजिए, क्या क्या परेशानी है। निरंतर दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको और छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? अरे बहुत दिक्कत है, आपकी गाड़ी आती थी तेल लेके जाती है, गड्ढा बारिश हो रही है, आपके घरों के ऊपर पेड़ दिख रहा है, ये भी जर्जर हालत में है। तो यार इसकी शिकायत आपने कभी अपने जो पद वार्ड के पार्षद है कभी उनसे करने की कोशिश करी, शिकायत करी कि इस चीज़ का समाधान करा जाए? यहाँ जो ये गड्ढा खुदा हुआ है उससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है? इससे सभी को दिक्कत हो रही है। और ये बार बार गड्ढे खुद रहे हैं, इसके लिए क्या कोई निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? यहाँ भी जो है गड्ढे हैं, पुल के बगल में है, बार बार वो पाइप लाइन जो है टूट जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो आपको लगता है महापौर के चुनाव होने वाले हैं? आपको लगता है क्योंकि 25 साल से बीजेपी के महापौर चुनी जा रही है, आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? अब हम नहीं कह सकते बदलाव होना, नहीं नगर निगम काम तो होना चाहिए, मतलब काम तो होना ही चाहिए। जो अभी जो व्यवस्था है उससे आप खुश हैं? नहीं, उससे तो बार बार टूट जाता है, क्यों टूट जाता है उसको देखना चाहिए। सड़कों की व्यवस्था, पानी, सीवर लाइन, शुद्ध पेयजल, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या ये सब चीजों का समाधान हो रहा है? कल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।